एक साल पूरा होने जा रहा है, उसी संदर्भ में हमने सभी ब्लॉक के अध्यक्षों को, जिला के अध्यक्षों को यहाँ पर आज बुलाया है। तेलंगाना में आज हमारी मुख्यमंत्री की शपथ होनी है, उसके लिए मुख्यमंत्री को वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने मुझे सुबह फोन पे कहा कि मैं एयरपोर्ट से ही आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस मीटिंग को ले लें, एक मंत्री सरकार की तरफ से आ जाएगा। तो मंत्री भी आए और आज हमने ये मीटिंग को कॉल किया है। मुख्यमंत्री की बात है, उनका ये संदेश है कि हम जो व्यवस्था इस मीटिंग के लिए 11 तारीख की धर्मशाला में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो भी वर्कर्स की डिमांड है, वर्कर्स की मांग है, उसको हम नोट करें और सरकार के माध्यम से उनकी मांगों को पूरा करते हुए लोगों को धर्मशाला तक पहुंचाए। और हमें खुशी है कि हमारा संगठन का आदमी आज एक मुख्यमंत्री बना है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के एक साल पूरे होने पर धर्मशाला में प्रस्तावित जश्न के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वीरवार से मोर्चा संभाल लिया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राज्य से आए जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की तैयारियों से संबंधित बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मशाला में होने वाली रैली के लिए कांग्रेस संगठन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था करेगा ताकि सरकार का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू संगठन के ही एक व्यक्ति है और ये हम सबका सौभाग्य है कि संगठन से निकला व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। एक साल पूरा होने जा रहा है, उसी संदर्भ में हमने सभी ब्लॉक के अध्यक्षों को, जिला के अध्यक्षों को यहाँ पर आज बुलाया है ताकि हम इनको निशा निर्देश दें, इनकी बात सुने कि इनकी क्या क्या डिमांड्स है और हमने जो लोग धर्मशाला पहुँचाने हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और उनसे विचार विमर्श किया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसा हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोगों की वहाँ धर्मशाला में आए, लोग हमारी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए वहाँ आएंगे और उसी तरह से हमारी जो सरकार का संदेश है उसको भी सुनने के लिए लोग वहाँ पहुँचेंगे। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि आप भी संगठन के आदमी हैं, आप भी संगठन से जुड़े हैं, आप भी बार बार इस बात को कहते हैं और हमें खुशी है कि हमारा संगठन का आदमी आज एक मुख्यमंत्री बना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बैठक के लिए आना था लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के चलते वह आज हैदराबाद गई है। प्रतिभा सिंह ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है, आज की बैठक के बारे में बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि संगठन के सभी मुद्दों और जरूरतों को नोट करके सरकार के समक्ष रखा जाए ताकि उनका निराकरण किया जा सके। प्रतिभा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज की कांग्रेस संगठन की बैठक के लिए एक मंत्री की जिम्मेवारी भी लगाई थी और मंत्री ने आज बैठक में शिरकत भी की। उन्होंने बताया कि सरकार के कई मंत्रियों की धर्मशाला रैली के लिए जिम्मेदारियां लगाई गई है। तेलंगाना में आज हमारी मुख्यमंत्री की शपथ होनी है, उसके लिए मुख्यमंत्री को वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने मुझे सुबह फोन पे कहा कि मैं एयरपोर्ट से ही आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस मीटिंग को ले लें, एक मंत्री सरकार की तरफ से आ जाएगा। तो मंत्री भी आए और आज हमने ये मीटिंग को कॉल किया है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, उनका ये संदेश है कि हम जो व्यवस्था इस मीटिंग के लिए 11 तारीख की धर्मशाला में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो भी वर्कर्स की डिमांड है, वर्कर्स की मांग है, उसको हम नोट करें और सरकार के माध्यम से उनकी मांगों को पूरा करते हुए लोगों को धर्मशाला तक पहुंचाए। ठीक। प्रतिभा सिंह ने एक और जहां धर्मशाला में भारी भीड़ जुटाने की बात कही तो वही साल 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के लिए भी कांग्रेस संगठन के सक्रिय होने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर संगठन को मजबूती दी जा सके। पर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, ये सही बात है कि अब 24 में जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हमें भी तैयारी करनी है, हमें भी चुनाव के मैदान में उतरना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि एक साल के समय में से लंबा समय प्रदेश में आपदा के कारण संगठन और सरकार के कई काम प्रभावित हुई थी और अब सब मसलों को मिलकर हल कर लिया जाएगा।